अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं इस टाइम मौजूद हूँ बनिगाला रोड पे और हम लोग जा रहे हैं सारे दोस्त मिलके मनाल से पीछे। जबरी जगह का नाम है, बड़ी खूबसूरत जगह है, पानी शानी है वहाँ पे, वहाँ जाएंगे इंशाल्लाह। आज आपको इस्लामाबाद के अंदर एक बहुत ही खूबसूरत जगह आपको दिखाएंगे और यहाँ के लोगों को अक्सर नहीं पता। मैं ख़ुद भी सच्ची बात बताऊँ तो मैं दामना कोव से ऊपर कभी नहीं गया, दामना को गया हूँ वहाँ से ऊपर मोनाल रेस्टोरेंट भी नहीं गया कभी। तो आज जो है मैं वो मोनाल रेस्टोरेंट से पीछे जो जबड़ी है जगह, वहाँ पे नहाने शाने का भी मेरे हाथ से पानी शानी है, वो दोस्त सारे बता रहे थे। अभी सारे दोस्त मेरा इस्लामाबाद में वेट कर रहे हैं और मैं इधर बराकव से जा रहा हूँ, उधर जा कर उनसे मिलता हूँ, तो फिर वहाँ से आगे की वीडियो और वहाँ का आगे का नज़ारा मैं आपको दिखाऊँगा। टाइम हम पहुँचे हैं सितारा मार्केट में और हमारा प्रोग्राम है जबरी जाने का। अभी बस एक दोस्त का इंतज़ार कर रहे हैं और थोड़ी देर में हम यहाँ से निकलने वाले हैं इंशाल्लाह। तो आगे आप जाके फिर आप बताओ। ये शकील भाई नीलम में मेरे साथ नहीं थे तो यहाँ पे ये दूसरे दोस्त आ गए। अभी हमारा जबरी का प्रोग्राम है और ये दूसरे सारे दोस्त आ गए तकरीबन। अभी हम यहाँ से निकलते हैं फिर आगे की वीडियो आपको दिखाते हैं।
अभी मैं मोनाल रेस्टोरेंट के पास पहुंचा हूं। ये मोनाल रेस्टोरेंट मेरे बैक साइड पे, ये नीचे मोनाल रेस्टोरेंट है और वो सामने ला मोंटाना रेस्टोरेंट है। रेस्टोरेंट से थोड़ा सा आगे आए हैं तो यहाँ पे एक पॉइंट है जहाँ से पीछे का पूरा गांव नज़र आता है, मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखें, ये मोनाल रेस्टोरेंट की बैक साइड पे ये गांव है, दूसरी साइड पे इस्लामाबाद का व्यू है और इस तरफ ये गांव का व्यू है। बड़ी प्यारी जगह है, ये बहुत प्यारा गाँव है, बहुत ग्रीन एरिया है। अभी आगे चलते हैं और आगे का व्यू दिखाते हैं आपको। इस्लामाबाद से 17 किलोमीटर आगे ये जगह है, यहाँ पे पीर सोहबा हम खड़े हैं और यहाँ से ये खैबर पख्तूनख्वा स्टार्ट हो जाता है। हरिपुर का इलाका ये लिखा हुआ है, डिस्ट्रिक्ट हरिपुर ये जगह, और ये सारे अभी यहाँ पे हम यहाँ से आगे जाएंगे। इस तरफ ये गांव है और उस तरफ इस सड़क के उस तरफ इस्लामाबाद का व्यू है। Thank you.
जी सुहावा से काफ़ी आगे हम आगे उतर गए हैं, काफ़ी नीचे कोहाला, यहाँ पे भी कोहाला है, एक कोहाला तो कश्मीर में, एक कोहाला यहाँ पे है, तकरीबन 10 किलोमीटर रह गया होगा शायद। यहाँ पे एक चश्मा है बहुत ही प्यारा, आपको मैं दिखाता हूँ का, वो सामने देखें चश्मे में बैठे हुए सारे, ये चश्मा है जहाँ से पानी पी रहे हैं असद भाई, और ये सारे आदमी धो रहे हैं, पीछे से नाला भी आ रहा है, साफ़ पानी है, नाला क्या है वो साफ़ पानी है, मैं ऊपर जाके आपको दिखाता हूँ कहाँ से आ रहा है पानी। जबली की तरफ जा रहे हैं तो कोहाला से 10 किलोमीटर पीछे खड़े हैं, यहाँ पे ये चश्मा था, ये जो यहाँ पे हम हाथ में धो रहे हैं, यहाँ पर तैयार है, मैं ऊपर जाके आपको पानी यहाँ से बाहर निकल रहा है और नीचे वो पाइप लगाए हुए लोगों ने, लेकिन यहाँ पे एक चीज़ मैंने देखी है, लोगों ने कचरा बहुत फेंका हुआ है, आप देखें तो इस तरफ ये देखें, या ऐसा ना करें, टूरिस्ट पॉइंट पे जब भी आए कचरा ना फेंके, इसके लिए एक शॉपर ले के उसी में डाल के वापस ले के जाए, जहाँ बास्केट मिले वहाँ डालें, बहुत गंद किया हुआ है। ये यहाँ का व्यू देखें और यहाँ की ग्रीनरी देखें, कितना प्यारा व्यू है, हर तरफ ये दरख्त ही दरख्त है और बहुत ही प्यारा, इस्लामाबाद के बिल्कुल थोड़े से फासले पर ये इतना खूबसूरत, तकरीबन 30-35 किलोमीटर होगा यहाँ तक, हाँ 30-35 किलोमीटर यहाँ तक आए तो ये संगड़ गली से नीचे उतरे, अभी हम कोहाला मेरे यहाँ से 10 किलोमीटर रह गया, उससे आगे जबड़ी आएगा, वहाँ के जाके आपको वहाँ का व्यू भी दिखाएंगे, ये वही फिलहाल यहाँ का हम पानी पी रहे थे, यहाँ का व्यू आपको दिखा दिए, हम यहाँ पे पानी शानी पी लिया और यहाँ से वापस जा रहे हैं, ये बहुत प्यारा मंजर है, ये जगह तो भाई ये यहाँ से बड़े बड़े टैंकर आते हैं और पीने का साफ़ पानी भर के लेके जाते हैं, और ये व्यू एक बहुत ही प्यारा, इस्लामाबाद के अंदर, इस्लामाबाद से करीब तरीन है, इस्लामाबाद के अंदर तो नहीं आता, ये जगह हरिपुर के अंदर आती है और केपी के तकरीबन 5 किलोमीटर अंदर हम आ चुके हैं, पीछे अभी ये केपी की शुरू हो गया ना, ऊपर केपी के है ना, डिस्ट्रिक्ट हरिपुर है और खैबर पख्तूनख्वा ये सूबा, ये यहाँ से स्टार्ट है जिसमें हम खड़े हैं, और ये यहाँ का व्यू आप देखें कितना प्यारा व्यू है, अभी हम वापस बाइक की तरफ जा रहे हैं। अभी हम 0 पॉइंट से तकरीबन 33 किलोमीटर चल चुके हैं और ये यहाँ पे एक चौक आता है, इस चौक से आपने राइट साइड पे आना है, आगे की तरफ नहीं जाना, आगे भी सड़क जा रही है लेकिन आपने राइट साइड पे आना है, और ये यहाँ पे थोड़े फ़ोटो शूट हो रहे हैं, वो खुरम भाई फ़ोटो शूट करवा रहे हैं और इधर शकील साहब फ़ोटो बना रहे हैं। इस टाइम मैं कोहाला बाला में खड़ा हूँ जो डिस्ट्रिक्ट हरिपुर में आता है,
और ये जो रोड आ रही है यहाँ से ये एबटाबाद की तरफ जा रही है, और इस तरफ ये जो रोड आ रही है ये मड़ी की तरफ जा रही है, मणिकोड़ा गली की तरफ। यहाँ पे आगे टोयोटा वगैरह वैन वगैरह खड़ी थी, जो मेरे हाथ से रूट की गाड़ियाँ 128 नंबर है, जो सुपरमार्केट F61 से आती हैं और यहाँ पे आती हैं। किराया वगैरह तो मैंने नहीं पूछा, लेकिन यहाँ पे हम रोटियाँ ले रहे थे तंदूर पे। आप ये बताएं कि ये जो यहाँ पे कोई कौन से पॉइंट हैं, मतलब यहाँ पे पिकनिक पॉइंट के हिसाब से लोग आते हैं, तो यहाँ पे कौन सी चीज़ मशहूर है ज़्यादा? पिकनिक पॉइंट यही मशहूर है, जो क्या कहते हैं इसको, ये ऊपर रोड जा रहा दामने को, दामने को, अच्छा दामने को वाला जो रोड है ये ज्यादा मशहूर है। या फिर अच्छा बाहर आगे चले जाएं, इधर से आगे जबरी का सुना, पानी शानी जबरी है उधर, पानी शानी बहुत ज्यादा है। अच्छा, बहुत लोग जाते हैं, पानी भी लेके आते हैं, पीते भी हैं उधर। अच्छा, यहाँ पे गाड़ियाँ कौन कौन कहाँ से आती हैं गाड़ियाँ? रूट वाली ये सुपर मार्केट से आती है। अच्छा, और ये बस जो ये किराई से आती है। ठीक है, ये वाया खानपुर से आती है, वाया खानपुर से आती है। ठीक, ये इधर से सुपर मार्केट से 128 नंबर रूट पे, 128 नंबर रूट से आती है। अभी मैं जबरी पॉइंट पे पहुंच चुका हूं, और ये जबरी का वो पुल है, और ये यहां पे व्यू पॉइंट है, काफ़ी सारे लोग हैं। ये पानी आ रहा है मेरे हाथ से, ये खानपुर डैम में जाके ये शामिल होता है, ये पानी काफ़ी ज़्यादा पॉइंट।
ये बड़ा प्यारा पॉइंट है जी, पीछे ग्रीन एरिया आपको नज़र आ रहा है और पानी इतना खूबसूरत। ये यहाँ पे नहाने का अपना ही मज़ा है, काफ़ी इन्जॉय किया हमने। अभी हम जा रहे हैं घर की तरफ, तो आज का व्लॉग यहीं पे एंड करते हैं। ये जबरी हम खड़े हैं, जबरी की जगह का नाम है, इस्लामाबाद से तकरीबन 35 किलोमीटर आगे ये जगह है और बहुत खूबसूरत जगह है। अभी मैं मुनाल से वापस जा रहा हूँ घर की तरफ और ये इस्लामाबाद का व्यू है। ये पूरा इस्लामाबाद नज़र आ रहा है, पीछे रावल झील नज़र आ रही है वो पीछे, और ये ब्लू एरिया पूरी बड़ी बिल्डिंग नज़र आ रही है आपको, पार्लियामेंट वगैरह सारा नज़र आ रहा है। ये नीचे लोग आ रहे हैं, आज काफ़ी रश है, आज संडे है और सारे लोग इस तरफ आ रहे हैं। तकरीबन ऊपर 400-500 गाड़ी ऊपर चली गई है और अभी और भी बहुत सारे लोग आ रहे हैं यहाँ पे।